दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना पूरी करे और आप जो भी उनसे मांगे वो आपकी हर विश पूरी हो, हर मनोकामना पूरी हो और आपके हर काम सफल हो। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है जिससे कि आप सभी जानते हैं नाशपति आपने खाया होगा। नाशपति खाने के कुछ अपने ही अलग फ़ायदे हैं। आज हम आपको बताएंगे नाशपति के कुछ फ़ायदे, वहीं हम बताएंगे कैसे आप नाशपति का इस्तेमाल कर व्यक्ति की जो शराब की लत है उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इसे खाकर अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं, अपने आप से अपनी अनेक समस्याओं को छुटकारा दिला सकते हैं। तो आइए जानते हैं आपको क्या करना है जिससे कि आपको इससे फ़ायदा मिले और आपकी जो अनेक बीमारियां हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप रोज़ सुबह एक नाशपति खाते हैं, यानी कि खाली पेट रोज़ सुबह एक नाशपति अगर आप खाएंगे तो इससे आपकी अनेक बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। सबसे पहला है दोस्तों गैस और एसिडिटी। जी हाँ, आजकल गैस, एसिडिटी और कब्ज़ की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इससे क्या होगा, जब आप इसका इस्तेमाल करने लगेंगे तो इससे आपकी जो समस्या है उससे आपको बहुत जल्द छुटकारा मिलेगा। बहुत ही जल्दी से आपकी गैस, एसिडिटी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। दूसरा है दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन लेवल। अगर आप रोज़ सुबह इसे खाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन लेवल भी हमारा इससे ठीक होगा, इससे हमारे ब्लड का लेवल भी बढ़ेगा। वहीं दोस्तों अगर आपको चेहरे से संबंधित समस्या यानी कि पिंपल है, झुर्रियाँ हैं, तो आपको करना क्या है, इसका जूस निकाल कर या फिर इसको कद्दूकस कर इसका पेस्ट बना लीजिए और इसे चेहरे पर अप्लाई अगर आप करते हैं तो इससे आपको आपके चेहरे की पिंपल और झुर्रियों की जो समस्या है उससे बहुत जल्द आपको छुटकारा मिलेगा। बहुत ही जल्दी से आप इससे छुटकारा पा लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों शराब की लत की। जी हाँ दोस्तों, आजकल हर दूसरा व्यक्ति शराब को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस परेशानी का सामना आप कैसे करें, कैसे आप इस समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर शराब से अपने आप को, अपने परिवार को कैसे बचाएं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों आपको करना क्या है, शराबी व्यक्ति को सबसे पहले तो आप नाशपति का जूस रोज़ सुबह पिलाएं। हाँ जी हाँ दोस्तों, रोज़ सुबह उठते से ही आप उसे ये पिलाएं। सेकंड है दोस्तों, आप इसका जूस बनाकर फ्रिज में स्टोर कर भी रख सकते हैं या फिर तुरंत बना दीजिए जब भी उसे लत आए। या आपको करना क्या है, रोज़ सुबह तो आप एक नाशपति उसे ऐसे ही खाने के लिए दीजिए। सेकंड है दोस्तों, उसका जूस आप जब भी व्यक्ति को शराब की तलब आए, शराब पीने की इच्छा करे, उस जूस को पीने के लिए दे दीजिए। ऐसा करने से फ़ायदा होगा, व्यक्ति की लत छूटेगी और व्यक्ति शराब छोड़ देगा। उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।